Welcome to Dr. Mankaz on your clinic. Today we are going to talk about the thyroid disorders. And if you or any of your relative or any of your friend circles about whom you have communicated and if they have told that I am taking a medicine for thyroid or I am already being detected with the thyroid problems, then this video will be, I am sure, it will be very useful for them. If it is to you only, then though you should watch this video completely to understand the whole new arena or scope of treatment in the thyroid conditions. Because generally the people have an idea, I don't know why, that they understand that if you are being detected with hypothyroidism or if you are being detected with the hyperthyroidism, मतलब कि अगर आपको हाइपो या हाइपर थायरॉइडिज्म में से कुछ भी डिटेक्ट हुआ है तो अभी आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी है. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है. पर हाँ, एट आर क्लिनिक वी हैव सीन मेनी मेनी केसेस वेयर विदाउट यूज ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्ट थायरॉइड हॉर्मोन मेडिसिन वी हैव सीन दैट द पर्सन्स थायरॉइड लेवल हैव इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग. तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी. विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द स्कोप ऑफ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यू कैन ऑलवेज गेट रीड ऑफ द थायरॉइड प्रॉब्लम्स. थायरॉइड इज अ ग्लैंड एज वी ऑल नो सिचुएटेड इन द नेक एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल गिविंग द हॉर्मोन्स थायरोनीन एंड थायरोक्सिन इन द ब्लड स्ट्रीम. And then these hormones are very, very useful for lot of different activities happening inside our body, right from the heartbeat to the maintaining the body temperature to maintaining the body metabolism, the fat metabolism. Lot of things are being associated with the functions of the thyroid gland. I'm just narrating it at a macro level, obviously. I'm not entering into a medical dimension of it. Very much technical medical dimensions of it. पर हाँ, ये जो thyroid जो ग्रंथि है, ये जो जिस प्रकार से हॉर्मोन सिक्रीट करती है, जो दो हॉर्मोन और उसको जो मेंटेन करता हुआ जो thyroid stimulating hormone TSH जो है, वो सारे के सारे मिला के हमारे शरीर का overall maintenance, functional maintenance का बहुत ही important part देखते हैं. एंड इसीलिए जैसे ही थायरॉइड ग्लैंड में कोई भी दिक्कत आता है, या तो वो कम काम करने लगती है या तो वो ज़्यादा काम करने लगती है. इन बोथ द केसेस देर आर प्रॉब्लम्स. लाइक अगर हाइपोथायरॉइडिज्म हुआ तो आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपका स्किन और हेयर ड्राई होने लगेंगे, आपको आपका हेयर लॉस बहुत होता जाएगा, कॉन्स्टिपेटेड रहना शुरू हो जाओगे, या तो इन केस ऑफ फीमेल इट कॉजेज द मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज, स्पेशली इट कॉजेज द ओलिगोमेनोरिया. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में जो मेंस्ट्रुएशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी दीज डेज ग्रेजुअली नाउ इन कमिंग एरा. इट ऑल्सो गिवज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज एज वेल, लाइक इट गिवज अ डिप्रेशन, इट गिवज मोर एन्जाइटी एंड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. सिमिलरली अगर थायरॉयड लेवल बढ़ गया, हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया है आपको, और तो फिर उसकी वजह से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, बहुत सारे डायरिया होते रहना बार बार, और हीट का टोलरेंस बिल्कुल नहीं रहना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, और देर आर लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट लाइक पाल्पिटेशंस एंड मेनी थिंग मोर. तो ये जो सारे के सारे जो आप में जो भी सिम्टम हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपके पास वो डायग्नोसिस है कि आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म है. अगर नहीं है तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए. पर अगर आप में डायग्नोस्ड है ऑलरेडी, तो देन होम्योपैथी प्लेज अ वेरी वाइटल एंड वेरी एसेंशियल रोल. आई वुड लाइक टू कॉट हियर जस्ट अ वेरी रीसेंट केस ऑफ माइंड वेयर द लेडी अराउंड 44 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज डायग्नोस्ड विथ हाइपोथायरॉइडिज्म एंड उनके जो TSH लेवल्स जो थे, इट रिमेन्ड अराउंड 26 व्हेन शी केम टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम. And it is a very very high TSH level. Generally वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक आप ओके गिन सकते हो, 7 से ज़्यादा उसका लेवल बढ़ता है. वैसे तो आइडियली तो द रेंज ऑफ इट एंड्स एट 5, बट फिर भी अगर आप थोड़ा ब्रॉडर डायमेंशन से देखने जाएँ तो 7 तक आप गिन सकते हो, बट 26 इज़ टू हाई.
So when she came to me, I asked her that whether she is taking any other allopathic medicines or any other brand's medicine, but she was, I don't know why, she was very refrained to take any other medicines than homeopathy. So I took the case and I have given her the medicine, which is in our science, it is named as Kilkeria Carb, and it was given to her in 200 potency. And I repeated it as per the need. And then with my surprise as well, the immediate next month's thyroid report was around 9, which is significantly less. And then later on, it still started reducing further. And after around 8 to 9 months of the regular treatment, at this point of time, she is even off homeopathy. I have asked her to check her thyroid levels every 3 monthly. And she is doing very well, and there are no issues so far with the thyroid gland. Similarly, I can call the other case where the thyroid levels were around 10 when they came. Now it remains in the normal range. There are few cases where the people were already taking few other medications for the thyroid, but phir bhi thyroid levels were keep getting up and up. And then homeopathy शुरू करने के बाद उनके वो normal range में शुरू हुए हैं. And then gradually उनकी जो और जो दवाइयाँ होती हैं thyroid के लिए, उसको भी taper down करते करते के लिए धीरे धीरे बंद कर दिया है. So thyroid is one of the most important vital essential hormone gland of our body, and for the healthy functioning of it, homeopathy is having a very good scope. We have a very, very good medicines which are working excellently in the thyroid conditions. So if you are having a thyroid issue, then feel free to contact us at Dr. Markar's Homeo Clinic. The details are there on the website, where you can contact, you can call, you can directly take a online treatment where you just need to fill a form and you need to submit the request, and then we'll contact you. We'll do a WhatsApp or a Skype video call or any other medium you are convenient with. We'll do a video consultation or a phone consultation, and we'll send the medicine at your place. Even if you want some other homeopath to intervene, you can contact the homeopath of your own area for your problem. But the idea here is that yes, homeopathy is one of the very, very equipped, well equipped system for treating the thyroid diseases. Homeopathy ek aisi system hai jiske paas thyroid disease ke saath deal karne ke liye bahut sari harmless दवाइयाँ हैं, और जिनको लेने के बाद एक बार आपके थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शनिंग, रेगुलेटेड फंक्शनिंग शुरू हो जाए, तो उसके बाद में आपको कोई लाइफ टाइम दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है. परमानेंटली अगर दवाई लेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे, ऐसा भी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली रिमेन हेल्दी. एंड अलॉन्ग विद दैट, एज वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर इन आर क्लिनिक, तो वी ऑल्सो गिव फ्यू अदर एनर्जी बेस्ड मेडिसिन लाइक थायरॉयड को अगर हीलिंग के डायमेंशन से देखे जाए या योगी के एनाटोमी के डायमेंशन से देखने जाए, तो थायरॉयड इज़ अ ग्लैंड विच इज़ देयर एट अ थ्रॉट चक्र. तो उधर काम करने के लिए फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर मानकड़ होम्यो क्लिनिक, डॉक्टर ग्रीवा मानकड़ इज ऑल्सो गिविंग अ रेकी टू अ पेशेंट टू मेक हिज थ्रॉट चक्र मोर हेल्दियर, हिज विशुद्ध चक्र मोर हेल्दियर. वी ऑल्सो मेनी टाइम्स गाइड देम फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ म्यूजिक थेरेपी. डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द थायरॉयड डिसऑर्डर्स. So that also generally we guide at our clinic, absolutely complimentary. So the point is that with the help of all these therapies, you can sure get rid of your thyroid troubles with the help of homeopathy, with the help of the other alternative branches as well. We at Dr. Markar's Homeo Clinic will be more than happy to help you in any kind of thyroid problems you are having. Thank you very much.